नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। कोरोना में मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। नए कोरोना मामले एक दिन गिरने के बाद अगले दिन फिर से बढ़ गए। आज बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ताजा आंकड़ा जारी किया गया है और मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इससे एक दिन पहले 31,222 केस सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। ऐसे में देखिए, देश में तो कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है, लेकिन बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में कोरोना का संक्रमण जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बता रहे करीब 40,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि देश में अभी भी 1608 जो है वो एक्टिव केस कम हो गए हैं। और केरल की बात कर ली जाए तो कई दिनों तक प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के 30,000 या उससे ज्यादा मामले सामने आने के बाद गत सप्ताह से नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मंगलवार की बात कर ली जाए तो मंगलवार को 25,772 नए मामले सामने आए थे और 189 और मरीजों की मौत हो गई थी। राज्य में अब तक बता दें संक्रमण के कुल मामले 42,53,000 हैं। और ऐसे में अगर बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में भी कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार घटते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 100 से कम मामले सामने आए हैं, यानी कि राहत भरी खबर जो है ये बिहार से सामने आ रही है कि कोरोना के मामले देश में तो एक तरफ बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा केरल में, लेकिन बिहार में संक्रमण जो है वो इस समय कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, अच्छी बात यह है कि अब तक 3,22,64,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं और ऐसे में देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या जो है वो 4,00,000 से कम हो गई है, यानी कि कुल 3,91,256 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं बिहार में सोमवार और मंगलवार के बीच कोरोना के 6 नए केस मिले। वहीं बाकी अन्य जिलों समेत पटना में अभी एक भी मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार की शाम जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अब एक्टिव केसों की संख्या 54 हो गई है, यानी कि इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में 24 घंटे में 54 कोरोना के मामले सामने आए हैं। चलिए, आगरा से आईएमए के पूर्व अध्यक्ष शरद गुप्ता डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। नमस्कार, धन्यवाद मेरे को अपने चैनल पे। सबसे पहले देखिए, मैं यही जानना चाहूंगी कि देश में कोरोना के मामले जो है अभी स्थिति लगातार देखिए कहा यह जा रहा है कि तीसरी लहर कोरोना की आ सकती है और सितंबर एंड या फिर अक्टूबर में आएगी, लेकिन कोरोना के मामले जो है एक दिन घट जाते हैं, दूसरे दिन वही मामले बढ़ जाते हैं, तो इसे किस तरह से देखना चाहिए और क्या इससे स्थिति समझ में आ रही है? देखिए, कोरोना के मामले लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले एक माह से ये 25-30 हजार से लेकर के 40-45 हजार तक हार्बर कर रहे हैं और खास तौर से कुछ पर्टिकुलर स्टेट हैं या पर्टिकुलर सिटीज हैं वहां पर ये केंद्रित है। ये अच्छी बात है कि ये अभी अब हमारे देश के अन्य राज्यों में नहीं फैला है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है कि पर डे हमारे यहाँ लाखों लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं और यही वजह है कि विश्व में हम देख रहे हैं कि जो और डाटाज अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अगर हम डाटा देखें तो वहां पर अभी भी वो अब थर्ड लहर चालू हो गई है। वहाँ अस्पताल फुल है, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। और हमारे यहाँ हम लोगों ने वैक्सीनेशन ड्राइव जिस हिसाब से चलाया है उस हिसाब से हमने देखा कि हमने महामारी पे एक बहुत बड़ा नियंत्रण पा लिया है जी। काफी मामले। एक बात ये भी सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना के मामले बढ़ गए हैं, तो क्या महाराष्ट्र में इसको तीसरी वेव के तौर पर देखा जा सकता है? क्योंकि कई जगह पर जो है सरकार की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देखिए, जहां पर भी अगर नए केसेस आते हैं, एकदम कोई एक्शन होते हैं केसेस के, तो वहां एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत सारे एहतियातन कदम उठा लेने चाहिए जिससे क्योंकि स्प्रेड वायरस का ना हो, क्योंकि ये जो
वायरस है ये इसका म्यूटेशन हो जाता है, ये अपना स्ट्रेन चेंज कर लेता है, तो जो नया वायरस जो भी निकल के आता है वो देखते हैं जो नया म्यूटेंट है वो बहुत विरुलेंट होता है, विरुलेंट मतलब बहुत ज्यादा घातक होता है। कई बार बहुत सारे लोगों पर ऐसा भी देखा गया कि जिनको वैक्सीन लगी है और उनको भी तक हो रहा है, लेकिन जहां तक ये देखा कि वैक्सीन लगी है तो उसके लिए ये प्राण घातक नहीं है जी, जैसे हमारे कहते हैं मॉर्टलिटी नहीं है, मॉर्बिडिटी तो हो जाती है। तो अगर हमारे यहाँ यह जो वैक्सीन के लिए जो बहुत सारा टैबू है, अभी भी लोग नहीं लगवा रहे हैं, सोचते हैं विचार करते हैं, अगर ये वैक्सीनेशन हमारे यहाँ अगर सिंगल डोज भी एक बार लोगों को लग जाए तो हम लोग इस पर शीघ्र इस वर्ष के अंत तक होते होते विजय पा लेंगे। थर्ड वेव जो बार बार कहा जाता है कि आ रही है, हम दुआ करते हैं कि ये थर्ड वेव ना आए और वैक्सीनेशन हो जाए, जिससे पहले जो हम लोगों ने इसकी त्रासदी झेली है वो हम लोग इससे बचे रहे। बिल्कुल शरद जी, और इसीलिए देखिए लोगों को भी सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर देखिए मैं ये भी जानना चाहूंगी, केरल में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, देखिये देश में 30-35 हजार मामले पूरे देश में सामने आ रहे हैं, उसमें से अगर बात कर ली जाए केरला की तो वहां पर 25-30 हजार जो मामले हैं वो देखे जा सकते हैं, तो क्या सरकार को ट्रैवल जो है वो वहां से बैन कर देना चाहिए? क्योंकि देखिए संक्रमण अगर देश में फैलेगा तो वो कहीं ना कहीं केरल से ही फैल सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर निपा वायरस का भी अब खतरा बनना शुरू हो गया है, मामले सामने आने लगे हैं, तो क्या वहां पर पाबंदियां और ज्यादा लगा देनी चाहिए? क्या वहां से पूरी तरह से संपर्क जो है कुछ समय के लिए जो है तोड़ देना चाहिए? देखिए हमें किसी स्टेट को दोषी नहीं ठहराना है, ये वो भी हमारे देश का हिस्सा है, वो भी हमारे नागरिक हैं। अगर वहां पर है तो हमारे यहाँ स्पेशल टीम्स और स्पेशल वहां पर सारी प्रिविलेजेस गवर्नमेंट को देनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके। लेकिन जैसा मैंने कल पढ़ा कि केरल का के नंबर ऑफ केसेस के आने की वजह एक बहुत बड़ी ये है कि वहां पर जो ट्रेसिंग है, जो वहां पर जो टेस्टिंग है वो रेट बहुत ज्यादा हाई है बनस्पत के और स्टेट के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, तो वहाँ वहाँ जांच बहुत अधिक करा रहे हैं, इसकी वजह से भी पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू अदर बहुत सारी जगह में। जैसा हम एज बीइंग ए डॉक्टर देख रहे हैं कि अब यहाँ पे लोग भी रिलेक्टेंट हो गए हैं, गवर्नमेंट भी रिलेक्टेंट है कि इतनी टेस्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ वायरल फीवर कहकर बिहार की बात कर ली जाए या यूपी की बात कर ली जाए, देखिये बिहार में 24 घंटे में सिर्फ 54 मामले सामने आए, बिहार की यूपी की बात कर ली जाए तो यूपी में भी 100 से कम मामले सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या यहाँ पर बिहार और यूपी में जांच जो है वो कम कराई जा रही है? मेरा ये नहीं कहना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये देखा कि बहुत ज्यादा वायरल फीवर फैला और वायरल फीवर की उसकी प्रेजेंस सेम थी, अब ये नहीं पता पड़ रहा था, उसमें हम लोगों ने टेस्टिंग करा के देख रही थी काफी मरीजों में, उसमें नेगेटिव आ रहा था, क्या कोई ऐसा म्यूटेंट वायरस तो नहीं है जो इस वाले RT-PCR टेस्ट से वो नहीं डिटेक्ट हो पा रहा है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि हम उसको उस पर बिल्कुल निगाह बनाए रखें, हर वायरल फीवर को हम बिल्कुल शक की निगाह से देखें कि कहीं ये पता पड़ा कि अभी तो वायरल कहा हमने और ये वायरल जो देखते थे वो बिल्कुल टिपिकल वैसे ही था कि एक को हुआ पूरे घर को हो जाता था, 5-7 दिन तेज बुखार खांसी जुकाम रहता था, लेकिन वो इस तरीके का नहीं था कि लंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। अभी कुछ ऐसे मामले भी देखने को मिल रहे हैं कि जिसमें टेस्ट नेगेटिव है लेकिन बाकी जो फाइंडिंग्स हैं, जैसे हम लोग कैट स्कैन टेस्ट का करा रहे हैं सीटी स्कैन में फाइंडिंग्स पॉजिटिव आती हैं, तो क्या हमको बिल्कुल निगाह रखना है, हमारे जो वायरोलॉजी लैब है उनको देखना है क्या ये कोई नया म्यूटेंट तो नहीं है। वैसे तो अभी हम उत्तर प्रदेश के लोग जो है डेंगू और मलेरिया से इस वक्त विशेष रूप से जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए शरद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो देश में एक तरफ जो है कोरोना के मामले किसी दिन कम होते नजर आते हैं तो अगले दिन बढ़ते नजर आते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को सावधानी बरतनी है, क्योंकि लगातार जो है कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बार बार जताई जा रही है, ऐसे में लोगों को सावधान और सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, तभी हम कोरोना की तीसरी लहर से बहुत अच्छी तरह से लड़ सकेंगे अगर हम सावधानी बरतेंगे। अगर अभी भी लापरवाही बरती, अभी भी समय है, अभी भी सावधानी बरतेंगे तो कोरोना की तीसरी लहर हो सकता है कि वो थम जाए, वो ना आए, लेकिन अगर लापरवाही इसी तरह से बरती गई तो कोरोना की तीसरी लहर का भी सामना करना पड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच पहुंच रही हैं। इसी के चलते अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि जहां तक मैनपुरी का सवाल है, ये समाजवादियों का गढ़ है। यहां की जनता ने नेताजी का और समाजवादी पार्टी का हमेशा समर्थन किया और नेताजी के प्रति यहाँ की जनता का प्रेम और सम्मान हमेशा बना रहा। इस क्षेत्र के विकास के लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार कोशिश की है और यहाँ पर विकास के कई काम भी हुए हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि बीजेपी की दो सरकारें हैं, एक दिल्ली की और दूसरी यूपी की। इस डबल इंजन की सरकार से हमें लगता है कि ड्राइवर भाग गए हैं या इस डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। तो बता दें, अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे थे जहां पर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और ऐसे में उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो विकास कहती है कि करा दिया है, लेकिन मैनपुरी की जनता पूछ रही है कि आज विकास कहाँ है और मैनपुरी में क्या विकास किया गया है। ये जवाब जो है जनता को देना चाहिए। तो ऐसे में मैनपुरी जो पहुंचे थे अखिलेश यादव, उन्होंने बीजेपी सरकार को कहा कि डबल इंजन की सरकार का शायद ड्राइवर जो है वो कहीं भाग गया है। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी सरकार है, ऐसे में उन्होंने तंज जो है वो सरकार के ऊपर कसा है। मुझे दुख है कि समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता वकील साहब, आज उनके बेटे हमारे बीच में नहीं हैं। परिवार ने पूरी कोशिश की उनकी इलाज कराने की, जो संभव दवाई हो सकती थी दवाई कराई, वो हमारे बीच नहीं है। हम सब वकील साहब के परिवार को साहस और हिम्मत देने के लिए आए हैं और हमें भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके बेटे की आत्मा को शांति मिले। जहाँ तक मैनपुरी का सवाल है, ये समाजवादियों का क्षेत्र रहा है। यहाँ की जनता ने नेताजी को और समाजवादी पार्टी का हमेशा समर्थन किया है। नेताजी के प्रति यहाँ की जनता का प्रेम और सम्मान हमेशा बना रहा। इस क्षेत्र के विकास के लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार कोशिश की है। सैनिक स्कूल अगर कहीं बनना था, समाजवादी सरकार में सैनिक स्कूल बना है। यहाँ का अस्पताल मैनपुरी का बेहतर हुआ है। मैनपुरी के विकास में चाहे बिजली को ठीक करने का इंतज़ाम हो, सब स्टेशन बनाने का इंतज़ाम हो, तो मैनपुरी का समाजवादी सरकार में हुआ है। ये चौड़ी चौड़ी फोर लेन सड़कें बनी, बड़े पैमाने पर लैपटॉप बटे, बड़े पैमाने पर बच्चियों को विद्याधन मिला, समाजवादी पेंशन से भी गरीब महिलाओं की मदद की गई। इस तरह लगातार विकास के कार्य किए गए। सवाल सबसे बड़ा ये है, बीजेपी की दो सरकारें हैं, एक दिल्ली की और एक उत्तर प्रदेश की। ये डबल इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं। आज मैनपुरी की जनता जानना चाहती है कि मैनपुरी में कौन सा बड़ा विकास कार्य हुआ है जिससे किसानों को लाभ मिल रहा हो। एक बहुत बड़ी मंडी बन रही थी एक्सप्रेसवे के किनारे जिला मैनपुरी में, करहल विधानसभा में, वो मंडी आज भी अधूरी है, पूरी नहीं होने दी सरकार ने। जो मंडी की व्यवस्था थी वो चौपट कर दी। किसान की पैदावार की आय दोगुनी का वादा किया, उनकी फसल की पैदावार की आय तो नहीं दोगुनी हुई, लेकिन डीजल पेट्रोल और ज़रूरत की सामान की महंगाई दुगुनी हो गई। नौकरी रोजगार है नहीं, पुलिस भर्ती कर नहीं पा रहे, फौज में भर्ती कर नहीं पा रहे। मुझे याद है फौज के एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हेलीकॉप्टर से यहाँ आए थे और यही भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोगों ने उनके साथ अन्याय किया, नहीं तो आज यहाँ पर लगातार पुलिस की भर्ती हो रही थी। ये मच्छर देखो खा जा रहा है इसे। सरकार झुकी न किसान, अभी भी जारी रहेगा इम्तहान। जी हाँ, किसानों को मनाने में प्रशासन की विफलता ने सरकार की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। किसान इस महापंचायत में अपने मूल मांगों के साथ
सात लाठीचार्ज के बाद मृतक किसान सुशील काजर को न्याय दिलाने के मकसद से नई अनाज मंडी में एकत्रित हुए थे। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी की गारंटी देने संबंधी मुख्य मांगों के साथ साथ लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा और इसमें संलिप्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी पूरी तरह से बुलंद थी। किसान जानते थे कि कृषि कानूनों को वापस लेना और एमएसपी की गारंटी देना राज्य सरकार के बस की बात नहीं है, इसीलिए करनाल की किसान महापंचायत मृतक किसान सुशील काजल को न्याय दिलाने पर ही मुख्य रूप से केंद्रित रही। महापंचायत शुरू होने से पहले सुबह करीब डेढ़ घंटा अच्छी बारिश हुई और बावजूद इसके हजारों की संख्या में किसान नई अनाज मंडी पहुंचे। ऐसे में प्रदेश सरकार की भी अपनी ओर से पूरी तरह से कमर कस चुकी है। चलिए धर्मेंद्र मलिक किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी जी, नमस्कार जी। धर्मेंद्र जी, देखिए करनाल में जो कल से महापंचायत हो रही है, अब किसान भी डटे हुए हैं, सरकार भी डटी हुई है, दोनों आमने सामने हैं, तो बात किस तरह से बनेगी फिर? नहीं देखिए, ये मुद्दा जो है ये बड़ा स्पष्ट है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। एक देश एक कानून का सिद्धांत होता है और ऐसा नहीं हो सकता कि एक नागरिक के लिए एक अलग कानून होगा और कर्मचारी के लिए अलग होगा। वो जो ड्यूटी अफसर था उसने बैठे हुए निहत्ते लोगों पर लाठीचार्ज कराया है और उसने ये भी कहा है, बड़ा स्पष्ट वीडियो है कि सबके सिर फूटे हुए होने चाहिए, तो उसके जो नैतिक कर्तव्य था जो ड्यूटी अफसर का कर्तव्य होते है उसने उसके विपरीत पालन किया है, तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। हमारे एक साथी की मृत्यु हुई है तो अगर किसी की लाठीचार्ज में मौत हुई है तो उसके जिम्मेदार अफसर के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? ये कौन सा न्याय है कि अगर सरकार के कर्मचारी किसी की जान ले लेंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी उसका पक्ष लेंगे? देखिए, इसमें तो डिपार्टमेंटल भी आवश्यकता नहीं है किसी परमिशन की, क्योंकि वो तो स्पष्ट कह रहे हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन ही नहीं कर रहे, कर्तव्यों के विपरीत आचरण किया है उन्होंने। और हमारा ये मानना है कि मुकदमा दर्ज करो, उसको सस्पेंड करो। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, लेकिन धर्मेंद्र जी एक बात बताइए, अगर यही आपकी मांग है मुकदमा दर्ज कराने की, आपकी मांग जायज है देखिए, लेकिन इस महापंचायत में मुद्दा भी यही रहा, लेकिन आप इसको आराम से भी जाकर बात रख सकते हैं, प्रशासन से बात कर सकते हैं, इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? नहीं, जब सरकारें बात ना सुनती हो, सरकारें अहंकारी हो जाए तो हमारे पास रास्ता क्या है? फिर तो जनता को सड़कों पर आने को पड़ता है। हमने यानी कि धर्मेंद्र जी, अगर परेशानी कुछ भी हुई उसका हल सिर्फ यही है कि सड़कों पर आ जाओ और सरकार से अपनी बात मनवानी है? नहीं, अगर सरकारें निरंकुश हो तो फिर क्या कर सकते हैं? कोई तरीका आपके पास हो आप बता दो जी। अगर सरकारें बातें नहीं सुनेंगी, हमने सरकार को एक सप्ताह का समय दिया था कि आप इन मांगों पर विचार कीजिए, समाधान कीजिए, सरकार ने बात करना भी पसंद नहीं किया तो फिर जनता के पास क्या है? जनता के पास तो जनता की ही ताकत है, जनता तो इकट्ठा। लेकिन धर्मेंद्र जी देखिए, सरकार जो है वो लगातार बात करने की बात भी कहती है और की भी है बातचीत जो है आपकी मांगे, अगर मैं करनाल की बात ना करूं, किसान आंदोलन जो पिछले 9 महीने से चल रहा है उसको लेकर भी सरकार ने बात की है, 12 दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए समाधान तो निकालना होगा, वरना कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? नहीं देखिए, समाधान निकालने का काम सरकार का है, न कि किसानों का। हम तो अपना पक्ष रख सकते हैं, हमने पक्ष रख दिया। अब सरकार अगर वार्ता से पहले ही ये तय कर लेगी कि बात तो कर लेंगे लेकिन समाधान कुछ नहीं करेंगे तो फिर संभव नहीं है। और अब 9 महीने हो गए हैं तो ऐसे लौट के कहाँ चले जाएंगे जी? किस मुंह से जाएंगे? जो 700 परिवार से लोग शहीद हुए हैं, 700 से अधिक किसान शहीद हो गए, उनको क्या मुंह दिखाएंगे? क्या उनके परिवार के कहेंगे कि हमारे लोग मरवा दिए, आप केवल इसलिए बैठे थे कि लोग मर जाएं? जी, तमाम मुकदमे लोगों पर दर्ज हैं, तो सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। सरकार को निर्लज और निरंकुश कभी नहीं होना चाहिए। सरकार सरकार होती है और उसका चुनाव जनता करती है। जी, लेकिन धर्मेंद्र जी एक बात यहाँ पर बताइए, आप कि जितनी भी बातें हैं मैं उन्हें सही मानूं तो एक बात बताइए, इस तरह से अगर आप इसी एक बात पर अड़े रहेंगे, इसी तरह धरना प्रदर्शन करते हैं, आप देखिए लगातार किसानों की तरफ से कहा जाता है कि आम जनता को परेशानी नहीं होगी, लेकिन कल की बात कर ली जाए, आज की बात कर ली जाए, करनाल में हाईवे जो है वो खोल दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान तो इससे आम जनता हो रही है। आपकी लड़ाई सरकार से है, फिर आम जनता क्यों इसमें पिस रही है?
देखिए ये भी आम जनता की लड़ाई है, इसमें आम जनता के हितों से ही सरोकार है इसमें सब, और आम जनता उसकी कोई शिकायत भी नहीं कर रही है। जनता तो आंदोलन के समर्थन में है, किसी को दिखाई ना दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। समर्थन में तो है धर्मेंद्र जी, समर्थन में तो है, लेकिन जब इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाएंगी, जब रास्ते हाईवे बंद हो जाएंगे, तो फिर जनता को ही तो परेशानी उठानी पड़ रही है। ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि जितना हिंदुस्तान में नेट को बंद किया गया है, इतना तो पूरी दुनिया में कहीं भी रिकॉर्ड बना है ना, ये सरकार तो रिकॉर्ड बनाने का काम करती है, तो हिंदुस्तान का ये भी एक रिकॉर्ड है कि वहाँ एक ऐसा भी राज्य है जिसमें 6 महीने इंटरनेट बंद रखा गया, और कोई भी अगर कहीं आंदोलन होगा तो इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी देखिए वो बात देखिए, वो इंटरनेट सेवाएं बंद की जाती हैं, वो इसलिए की जाती हैं क्योंकि अगर कोई भी हिंसा हो गई तो कहीं देखिए बहुत जगह हम देखते हैं कि वीडियोस फोटोज और गलत खबरें वायरल हो जाती हैं, और जो 26 जनवरी को हुआ था, 26 जनवरी को भी यही हुआ था, और इसीलिए एहतियात बरतने के लिए सरकार ने कदम उठाया था। 26 जनवरी को क्या हुआ जी? कुछ नहीं हुआ, हमारे लोगों को गुमराह किया गया, दिए हुए निहित जो स्थान थे उन पर बैरिकेड कर दी गई, और वो आज भी चिट्ठी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव महोदय कहते हैं कि इन किसानों का विरोध करने के लिए आप सड़कों पर आइए, और मुकदमे की जिम्मेदारी हमारी है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे हिंसा करने वाले, हमारे लोगों को पीटा गया, वो हुआ वो किसी ने नहीं दिखाया। लाल किले पे अगर एक खाली पाइप पे एक झंडा लगा दिया निशान साहब का, जो लाल किले पे हमेशा फेरता रहा है, जब लाल किले की फतेह हुई थी तब भी वहां पे निशान साफ लगाया गया था, जलकवान घाटी में जब फतेह की गई तब भी वहां पे निशान साफ फहराया गया था। तो ये तो बिना बात का विवाद पैदा किया जाता है। यानी कि धर्मेंद्र जी आप कह रहे हैं कि जो 26 जनवरी को हुआ था उससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है? नहीं, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ जी, सरकार में अगर इतना दम है तो इसकी जांच कराए, लेकिन कोई एजेंसी नहीं है ना देश में विश्वसनीय, तो फिर तो यूएनओ को इसकी जांच करनी चाहिए, एक दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। यानी कि आप इसी तरह से डटे रहेंगे और इसी तरह से जो है बिल्कुल डटे रहेंगे। किसान जो है कभी मैदान छोड़ कर नहीं भागता, हमारे बच्चे बॉर्डर पर भी रक्षा करते हैं और अपने खेत पर भी काम करते हैं। हमने तो वापिस भागना सीखा नहीं, किले पे गोली खाना सीखा है, हमारे तो ये जो हमें राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं, हमसे ज्यादा राष्ट्रभक्ति जानता है कोई। अरे हर 8-10 दिन में एक किसान परिवार में एक बॉडी जो है झंडे में लिपट कर आती है। हम देश के लिए शहादत देने वाले लोग हैं, और ये नकली राष्ट्रवादी जिन्होंने देश को सेल फॉर इंडिया पे लगा दिया है, इनको हम इसका जवाब देंगे, और अगर ये बातें नहीं मानेंगे तो इनको सरकार को छोड़ना होगा। जी चलिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें करनाल में भी कल से किसानों की महापंचायत जो है वो चल रही है, ऐसे में 28 अगस्त को किसानों पर जो लाठीचार्ज किया गया था उसको देखते हुए किसानों की महापंचायत बुलाई गई थी, और किसानों की मांग है कि यदि मृतक सुशील काजल को न्याय नहीं मिलता है तो वो करनाल का लघु सचिवालय का घेराव करेंगे और वहीं वो डटे रहेंगे, जो देखा भी जा सकता है। तो बता दें किसानों की महापंचायत जो है करनाल में चल रही है, और ऐसे में लघु सचिवालय के बाहर जो घेराव है किसानों का लगातार जारी है, ऐसे में किसान जो है लगातार वहां पर डटे हुए हैं। AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को दावा किया कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों के साथ ठगी हुई है, और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती उन्होंने दी कि इस मुद्दे पर वो सार्वजनिक बहस करें। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मुस्लिम बहु रुदौली विधानसभा क्षेत्र के रसूलाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए ओबीसी ने मुस्लिमों से आग्रह किया कि किसी के साए में नहीं रहे, और ऐसे में सपा प्रमुख पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि आरोप उन्होंने लगाया कि अखिलेश यादव ने हमेशा से मुस्लिमों में भय पैदा किया है। ऐसे में AIMI प्रमुख ने कहा कि 19% मुस्लिम है और 9% यादव है, लेकिन मुख्यमंत्री आपका होगा और हमें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी। रुदौली के सपा नेता रुशदी मियाँ का नाम लिए बगैर ओवैसी ने पूछा कि सपा के मुस्लिम जो है उम्मीदवार है चुनाव क्यों हार गए, और बीजेपी का यादव उम्मीदवार जीत गया, इसका मतलब है कि यादव मुसलमानों को वोट नहीं देते। मियां 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र यादव से हार गए थे।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।